आ जाइए, काफी लिमिटिंग है, बोल साइड पैर पूरा बाहर जाए। ठीक है, अभी कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे कहा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दर्द हो रहा है। अच्छा, और पैर इसको उठा पाते हैं ऐसे? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा पैर, अब इसमें हाथ लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि उस पर लोड नहीं आ पा रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। स्टेप्स भी चढ़ता हो ना, हाँ, तो एक स्टेप चढ़ने के बाद इसको नहीं उठा सकता। हाँ, मतलब बस वही चलता है, यही चलता है। हाँ, दूसरे वाले का ही यूज़ कर रहे हो, हाँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत है, है ना? और इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा तब जाके आप उठा पाओगे। बहुत करोगे? हाँ, बिना सपोर्ट के नहीं, नहीं हाथ न लगाओ। हाँ, पैर फैला के ऐसे देखें कितना फिरता है, कोई दिक्कत आ रहा है इधर पेन या बाहर साइड में पेन? अभी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा और फैलाओगे तो और दिक्कत आएगा। दिक्कत है नहीं? चलो ठीक है। नाइट में पेन होता है? नहीं। सोते समय, करवट लेते समय कोई पेन नहीं? और चेयर से उठने बैठने में? हाँ, जब उठता हूँ ना, हाँ, अभी 10-20 मिनट बैठा, उसके बाद उठ गया, हाँ, तो स्टार्टिंग के 100 स्टेप्स, हाँ हाँ, मुझे दिक्कत होती। अच्छा, फिर नॉर्मल चलने लगता। सुबह उठते हैं तब दर्द होता है? नहीं, नहीं होता। नहीं। अच्छा, कितना समय हो गया पेन होते हुए? अप्रैल में लास्ट ईयर। अप्रैल, हाँ, लगभग 1 ईयर हो जाए, मतलब 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, देखते क्या चेंजेस आते हैं। 7 डेज हाँ, अब पैर उतना नहीं फैल रहा है। चलो चलो, तो गेट गेट तक, गेट तक, गेट तक, वो भी बराबर हो जाएगा अभी घर जाके। बहुत अलग, बहुत टेढ़ा था। सही है, वेरी गुड। एक राउंड और, आ जाओ आ जाओ, सही बात है, चेंज आ गया तो सही है। हाँ हाँ हाँ, ये अभी थोड़ा दिन और मतलब हो जाएगा तो बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो कैसा लग रहा भाई? ट्रीटमेंट अच्छी है, बहुत दर्द कम हुआ है, दर्द कम हो गया, बहुत था, 50-60% रिलीफ है, 50-60%। हाँ, ये फर्स्ट टाइम था, थर्ड स्टेज है। हाँ, बहुत घूम फिर गया है। हाँ, लिंपिंग भी काफ़ी कम है। हाँ, लिंपिंग बहुत थी इसके पहले, अभी बहुत कम हो गई। ठीक है, आपको किसने बताया था मेरे बारे में? हमारे कॉलोनी में एक फ्रेंड है हमारे, उन्होंने बताया था, उनका नाम गीते है। गीते जी, हाँ, वो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए, आपके वहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए थे, और बोले थे कि आप जाओ ट्रीटमेंट के लिए और आपको 101% आपको अच्छा होगा। वो बढ़िया है इस समय? वो लगता नहीं, वो एवियन पेशेंट है। उन्होंने 2 बार ट्रीटमेंट ली थी पुणे में और यहाँ आके। अच्छा, उन्होंने बोला था कि आप कैंप में भी जा सकते हो, लेकिन आप स्पेशली सर से मिलने वहाँ जाओ, कानपुर जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बहुत हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में एक पेशेंट और है हमारे पास जिनका नाम है अमृत अहिर, है ना? अमृत अहिर, अमृत अहिर। तो सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे इनको। नमस्कार। नमस्कार। इनको भी एवियन की समस्या थी और ये भी हमारे पुराने पेशेंट्स के थ्रू रेफर होके हमारे पास आए थे। उनको बताया किसी ने, हमारे पुराने पेशेंट जो बिल्कुल वर्किंग में है, फंक एकदम प्रॉपर बढ़िया है, तो ये भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, परमानेंट हैं, चल रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, और दूसरों को रेफर करके भेज रहे हैं, तो एक डॉक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात अब क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अमृत जी से कि कैसे हुआ आपको एवियन, फिर क्या क्या किया आपने इसके लिए, डिटेल से बताइए। एक्चुअली सर, जब मुझे फर्स्ट पेन हुआ तो मुझे लगा कि मेरा ड्राइविंग होता है, तो ड्राइविंग की वजह से हुआ। लेकिन जब डॉक्टर से मिला तो पेन किलर खाने को मिली, पेन किलर खाने के बाद थोड़ा ठीक हो गया, 2-3 दिन बाद पेन किलर खत्म होने के बाद दो तीन दिन हो गए तो फिर से दुखने लगा। तो फ्रेंड नेरो सर्जन है, वो बोला कि तेरी कोविड की हिस्ट्री है, तो एक काम कर दूँ, तू पहले MRI कर ले। छोटी सी बात के लिए MRI करना मुझे गलत लगा, लेकिन फ्रेंड बहुत बोला कि नहीं ऐसा मत कर, तू कर ले पहले। तो मैंने MRI कर ली। MRI के बाद जब मैंने पढ़ा AVN है, तो उसको पहले YouTube पे सर्च किया कि AVN होता क्या है और ये नेक्रोसिस वगैरह क्या, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स थे, तो उसको स्टडी किया, फिर समझ में आया कि इतनी बड़ी बीमारी मुझे क्यों हुई। तो फिर वहाँ से बात चलती रही, फिर एक डॉक्टर से मिले, बहुत बड़े डॉक्टर है, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम इसको अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट 3 एज कम है, तो 8-10 साल तक हमें इसको आगे लेना ही लेना है।
लेकिन मैं सर से सहमत था, लेकिन मेरा पेन बहुत था और मेरी लिम्पिंग बहुत ही बढ़ गई थी। तो मुझे मेरे कॉलोनी में एक फ्रेंड है मेरे, उन्होंने देख लिया तो बोले कि आप एक बार सर से मिल लो। तो मैंने बोला आप क्यों रेफ़र कर रहे हो, तो बोले मैं खुद एवियन पेशेंट हूँ। बोला आप झूठ बोल रहे हो, एवियन पेशेंट ऐसे चलता नहीं, ऐसे बैठता नहीं, एवियन दिक्कत बहुत होती है। तो बोले मैं आपसे भी ज़्यादा दिक्कत में था, लेकिन सर को मैं मिला पुना कैंप में। पुना कैंप में जाने के बाद सेकंड सीटिंग ली मैंने कानपुर में, तो अभी आपके सामने रिजल्ट है। तो मैंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी सर से मिलना है, फिर देखेंगे। तो आज मुझे 50-60% प्लस अभी मुझे पेन रिलीफ है, ऐसा है अभी विद इन सेवन डेज। 26 को मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई थी सुबह से, आज 1st of Feb है, लास्ट डे आज था। तो इनका इस वीडियो में मैं डाल दूंगा पहले इनकी कैसी चाल थी और आज कैसी है, तो आप देख सकते हैं उसमें डिफरेंस कितना अच्छा खासा डिफरेंस है। चाल चलने में बहुत बेटर हो गया है, पेन में भी काफ़ी रिलीफ हो गया है और जो है अब लिम्पिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अमरुद जी थोड़ा सा और बताइए फिर, मतलब मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गए होंगे आप उस समय जब आपको ये सब चीज़ें पता चली होंगी। तो हमारे वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, तो मराठी में बोलते हैं कि खुबे चे बॉल जाने, तब कोई ना कोई पेशेंट रहता था जो मेहमान का कोई ना कोई लगता था, उसके पास जाते थे, उसको थोड़ा सा बोलते थे क्या चाहिए आप बताओ मैं ला के दूंगा कर। पता नहीं था कि ये एवियन इसको बोलते, और जब हुआ जब समझ में आया कि मराठी में कि खुबे चे बॉल गेले, तब मैं मतलब पूरा हिल चुका था लाइफ से, बहुत मतलब दिक्कत में था कि अरे मेरा एज कितना है आज, 32-33 एज मेरा, आगे मेरी कितनी उम्र है, लेकिन अभी से ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद सर मैंने ऑपरेशन भी देखा इसका, तो ऑपरेशन में सब बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन सक्सेस रेट कम होता है, अगर सक्सेस भी हो जाए तो आफ्टर 15 इयर्स आपको ये बदलना पड़ता है। तो इतना खर्चा करने का, इसके साथ खिलवाड़ करने का, और 15 इयर्स बाद फिर से चेंज करें, आफ्टर 15 इयर्स उसको दिक्कत ज़्यादा होती है, क्रिटिकलनेस बढ़ जाता है। तो और भी घबरा गया, अभी क्या करना है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थी वहाँ पे, वो भी ले ली, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें पैसे बहुत बर्बाद किए, लेकिन पैसा मायना नहीं रखता था उस टाइम, सिर्फ मुझे चाहिए था कि पेन रिलीफ होना चाहिए, कुछ तो कुछ इसमें ये बढ़ जाना चाहिए, मतलब ये रुक जाना चाहिए, ये जो डिसीज है वो रुक जाना चाहिए। यहाँ आके वो आपको सफलता मिल गई, बहुत सफलता मिली, अच्छा लग रहा है। तो दूसरे जो एवियन के पेशेंट हैं जो नए हैं यंगस्टर्स हैं, उनको क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैंने कल यहाँ पे 20 इयर्स ओल्ड का एक पेशेंट देखा है, बहुत कम उम्र में ये प्रॉब्लम हो रहे है। हाँ। अगर आप किसको है तो आप एक बार सर से मिल लो, ट्रीटमेंट लेना नहीं लेना बात की बात, आप यहाँ आओ, सर से बात करो, रिपोर्ट दिखाओ, सर क्या बोलते हैं वो सुनो। अगर आपको पसंद है आप श्योरली ट्रीटमेंट लो, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि यही आपको बचा सकता है, यही एक तरीका है, यही एक बचा सकता है। और अधिकतर तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि पेशेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू गाइड कर दूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करेंगे तो जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो तो मैं भेज ही देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका वो नहीं है। आप ताकि घर पे ही कवर कर लो, घर पे ही आप 50-60% ठीक हो जाओ, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा इस समय कोविड के बाद एकदम बहुत भीड़ बढ़ गया है इस समय, और हो सकता है हम लोग सारे पेशेंट्स को ना ठीक कर पाएँ। और गाइडलाइन सबको चाहिए, मतलब ये इतना आसान नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी और आप अपने घर में बैठ के दवा खा के एंजॉय कर रहे हैं और ठीक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता इस बीमारी में। इस बीमारी में डॉक्टर को भी लगना पड़ेगा और आपको भी लगना पड़ेगा, आपको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और मेरे साथ जब जब मैं लाइव सेशन करता हूँ एक्सरसाइज के, तो उसमें साथ में ज्वाइन होकर अटेंडेंस दे के एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 1-2 ईयर्स तक पूरा ध्यान रखना है। यहाँ आके आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, पेन में रिलीफ हो जाएगा, चलने फिरने में बेटर हो जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर फिर भी प्रिकॉशंस कभी नहीं छोड़ने हैं। जो बुक्स में लिखा है, जो बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। और जो हम लोगों ने ये नई टेक्निक निकाली है, इससे आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, टेंशन फ्री, यहाँ आके एक अलग माहौल मिलता है, सारे एवियन के पेशेंट मिलते, तो नहीं तो घर में क्या होता है, आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं ही एक अकेला एवियन का पेशेंट हूँ। तो वो सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है और आप पेन फ्री होके नेक्स्ट अपने कदम पे, यानी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, डेली रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो विथ प्रिकॉशन के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हर पेशेंट की मैं गारंटी नहीं ले सकता, मगर हाँ इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आगे तक मिलेगा, कितना आप फॉलो करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स,
सबसे पहले अमरुद जी को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार।